इस बार जेईई एडवांस का फॉर्म ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भरा है, ऐसी न्यूज़ मैंने पढ़ी। आप सभी बच्चों को जेईई एडवांस के लिए पहले से शुभकामनाएं, पर मुझे ये बताओ कि सुबह से पढ़ाई करते हुए कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखे हैं तुमने? ये कोशिश की है कि इस क्वेश्चन का नहीं बन रहा है, चलो जल्दी से सॉल्यूशन देख के समझ लेते हैं। ये याद रखना कि एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर ना तो कोई सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, ना कोई हिंट अवेलेबल होगा, ना किसी और प्रकार का कोई हेल्प होगा। तुम्हें अपने ऊपर ही डिपेंड करना है। तो बच्चों, आप जो बचा हुआ समय है उसमें अपने दिमाग को ट्यून करो, ट्रेन करो कि वो खुद से सोचने की आदत डाले। उसको ऐसा कार्व करो कि उसके पास कोई हेल्प अवेलेबल ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन तुम करते हो खुद से करो। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन के बारे में जितनी बातें सीखी, समझी, सोची, अब सॉल्यूशन नहीं देखना है। हाँ, पढ़ाई का एक 3-4-5 घंटे का तुम्हारा फेज पूरा हो गया। अब लास्ट में तुम भले ही जो 10-15 क्वेश्चन नहीं बने उनके सॉल्यूशन कहीं से देख लो कि चलो कुछ सीख भी जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन प्राइम पढ़ाई के समय अब अवॉइड करो सॉल्यूशन को देखना। अब तुम्हें नई बातें, नए क्वेश्चन सीखना नहीं है, अपने आप को ट्रेन करना है कि बगैर किसी हेल्प के मैं सोचूं कैसे, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो अपने आप को फोर्स करो कि किसी भी हाल में मुझे बगैर सॉल्यूशन के इन क्वेश्चंस के ऊपर खुद से सोचना है। ये हैबिट, ये आदत अगर डेवलप हो गई, हो सकती है अगले 5-7-10 दिनों में अगर डेवलप हो गई तो ये चमत्कार कर देगी। आपको कोई बहुत मुश्किल अनूठे सवाल की खोज नहीं करनी है, खोज को बंद करो। चलो मेरी बात मान लो, पढ़ाई में लग जाओ।